वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ईजी नोट्स तो जैसा कि अब बारी है अकाउंट्स की तो आज हम लेके आए हैं अकाउंट की यूनिट वन ओके okay, सो so, uh, मैंने यूनिट क्लियर कर दी थी पहले वाले वीडियो में कि किस किस चैप्टर सॉरी किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट्स हैं और यूनिट में क्या क्या है अकाउंट मेंबर फिर से थोड़ा सा दे देती हूँ रिव्यू कि अकाउंट में चार यूनिट्स हैं एज़ यूजल हर सब्जेक्ट में हैं देन जब हम यूनिट वन की बात करेंगे तो यूनिट वन में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जनरल एंट्रीज़ वगैरह जो बच्चे कॉमर्स लिए होंगे इलेवेंथ ट्वेल्थ में तो एलेवंथ वाला सिलेबस है यूनिट वन में और उसी का प्रैक्टिकल यूनिट टू में है और जिन्होंने नहीं लिया था कॉमर्स प्लीज़ लेफ्ट आउट ना फील करें दोबारा से वो रिकॉल करवा दिया जाएगा तो आप लोगों को भी आ जाएगा एंड देन यूनिट थ्री में कॉस्ट अकाउंटिंग नया सब्जेक्ट है दोनों के लिए कॉमर्स वालों के लिए भी साइंस वालों के लिए भी आर्ट्स वालों के लिए भी सबके लिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत थ्योरी है यूनिट थ्री में और एक आधे प्रैक्टिकल्स है और यूनिट फोर में मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल्स हैं तो ये है अकाउंटिंग की पूरी बुक ओके okay. सो so, हमारा पहला टॉपिक है अकाउंटिंग यूनिट वन में तीन टॉपिक्स मैंने तीन टॉपिक में बांटा है यूनिट वन को पहला अकाउंटिंग दूसरा टॉपिक है जो स्टैंडर्ड्स हैं मतलब गैप ठीक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो और लास्ट वाला जो है उसमें थोड़े से इंडियन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं आई एस इंडियन स्टैंडर्ड्स और थोड़े से फॉरेन के बताए गए हैं मतलब यही सब चीज़ें हैं तो वो तीसरा टॉपिक है ठीक है थ्योरी ही थ्योरी है फर्स्ट यूनिट में सिर्फ थ्योरी है सेकेंड यूनिट में हम फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करेंगे अच्छा हाँ अब जैसे कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो सेकेंड और थर्ड ईयर वालों की तो डेट शीट वगैरह भी आ गई है तो हम ही लोग बच्चे हैं जल्दी हम लोगों की भी आने वाली है ठीक है तो जैसे कि अगर अकाउंट्स की बात की जाए तो लोग वेटेज में कंफ्यूज रहते हैं कि प्रैक्टिकल का कितना वेटेज आएगा और थ्योरी का कितना आएगा तो अब मैंने मॉडल पेपर्स देखे कुछ तो उसमें वेटेज के अकॉर्डिंग 60 40 हो सकता है मतलब 60 परसेंट थ्योरी 40 परसेंट अकाउंट्स की प्रैक्टिकल और 70 30 भी हो सकता है कि सेवेंटी थ्योरी और थर्टी प्रैक्टिकल सिर्फ तो देखो बेसिकली जो पेपर आता है अगर उसमें ये तो तय है कि थ्योरी ज़्यादा आती है ठीक है चाहे टेन परसेंट ही ज़्यादा हो सिक्सटी परसेंट आए थ्योरी पर थ्योरी ज़्यादा आती है तो देखो पच्चीस से तीस नंबर का प्रैक्टिकल आ सकता है जो बंदा या जो बंदी फिफ्टी फाइव मार्क्स से खुश है सिक्सटी मार्क्स से खुश है कोई दिक्कत नहीं है मत पढ़ो प्रैक्टिकल थ्योरी थ्योरी तो एकदम रट लो कोई मना नहीं कर पाएगा कि तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं आएंगे अगर एकदम अच्छे से रट लो बट जिसको प्रैक्टिकल पढ़नी है या आगे एम बी फाइनेंस से करना है और जो इंटरेस्टेड है जैसे अच्छा लगता है और कर लेता है तो प्लीज़ पढ़ो पढ़ाऊँगी मैं सब डिपेंड करता है तुम पे कि तुम्हें मार्क्स कितने लाने हैं ठीक है बस मैं इतना कहूँगी कि अगर प्रैक्टिकल में वीक हो और आगे चल के प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन या फाइनेंस में करियर नहीं बिल्ड करना है तो प्रैक्टिकल में सर मत खपाना ठीक है थ्योरी अच्छे से रट लेना अच्छे से समझ लेना थ्योरी कि तुम्हें मतलब एक नॉलेज रही एक आइडिया रही कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग क्या होता है क्या नहीं प्रैक्टिकल सुनोगे तो थोड़ा सा समझ आएगा ही ठीक है भले एकदम पारंगत ना हो जाओ ना बन जाओ कि बस क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया लेकिन स्टिल और अगर करियर बनाना है फाइनेंस में तो प्लीज डू रीड दैट याद करो और अभी लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग एज यूजल फिर से नहीं बोल कॉमर्स में आ गए हो तो यू विल हैव टू रीड परपजस फीचर्स स्कोप इंपॉर्टेंस फंक्शन एडवांटेज डिसएडवांटेज ब्ला 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 ठीक तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वट वाई है मेरा वेफिकेशन ये है कि इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग वाला जो टॉपिक मैंने ये अकाउंटिंग वाला टॉपिक लिया इसका सेवन सब हेडिंग्स हैं परपज़ है फीचर है स्कोप है यूजर्स इंपॉर्टेंस फंक्शन और लिमिटेशन ठीक अगर बात करें सबसे पहले कि वट इज़ अकाउंटिंग सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या होता है तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन मॉनीटरी टर्म्स इन मॉनिटरी टर्म्स एंड देन इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट आफ्टर एनालाइजिंग इट ठीक है तो ये जो डेफिनेशन है उसी से फंक्शंस बन जाते हैं ठीक तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है आइडेंटिफाइंग दूसरा होता है रिकॉर्डिंग तीसरा होता है क्लासीफाइंग चौथा समराइजिंग एंड उसके बाद हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है एनालाइजिंग एनालाइजिंग के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं और किसी किसी बुक में कम्युनिकेशन भी एक फंक्शन है एंटरप्रिटिंग और कम्युनिकेटिंग दोनों एक ही चीज़ें होती हैं ठीक है तो ये हमारे फंक्शंस हो जाते हैं ठीक तो ये लाइन वाइज चलते हैं पहले आइडेंटिफाई करोगे तभी तो रिकॉर्ड करोगे आइडेंटिफाई क्या करोगे कि मॉनिटरी टर्म्स में आप लिख सकते हो या नहीं ये आइडेंटिफिकेशन हो गया फिर आप उसे रिकॉर्ड करोगे जनरल एंट्री में नॉर्मल बुक में ठीक फिर उसे क्लासीफाई कहाँ करते हो क्लासीफाई करते हो लेजर में कि ये बैंक का ये बैंक अकाउंट का है ये परचेज़ का है ये परचेज रिटर्न का है ये सेल का से तो ये क्लासीफिकेशन हो गया फिर आप क्या करते हो समराइज़ करते हो जब फाइनल अकाउंट बनाते हो तो यू समराइज ऑल दैट थिंग और प्रॉफिट और लॉस निकाल ट्रेड में सेल और परचेज समराइज करते हो प्रॉफिट लॉस में जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो समराइज करते हो और बैलेंस शीट में असेट लाइबिलिटी समराइज कर देते हो ठीक है समराइज़ हो गया फिर उसमें आप बैलेंस शीट में आपको दिखता है ना कि कितना असेट है कितना लाइबिलिटी है कितना कैपिटल है प्रॉफिट है या लॉस है तो वट यू डू यू एनालाइज दैट एनालाइज आप करते हो ठीक है कि कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट लिखते हो और जब रिजल्ट आपका आ जाता है एनालाइज करने के बाद तो व्हाट यू डू एंटरप्रिट मतलब उसे कर उसे सॉरी एक्सपोज कर देते हो डिस्क्लोजर उसका कर देते हो टू द पब्लिक टू योर एम्प्लॉयज़ टू दी ओनर्स टू द मैनेजमेंट ठीक है तो वो इंटरप्रिटेशन हो गया और जब आप इंटरप्रेट कर रहे हो अपना रिजल्ट जो भी आपका आया फाइनल अकाउंट तो व्हाट आर यू डूइंग इंटरप्रिटेशन इज़ अ स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन तो किसी किसी बुक में लास्ट में कम्युनिकेशन दिया रहता है ठीक है तो ये लाइन वाइज रहेगा ठीक ये फंक्शंस हो गए आते हैं पर्पज़ पर पर्पस देखो बेसिकली चार पर्पस मैं जो बहुत मेन मानती हूँ जो हर जगह ऑलमोस्ट बुक में पढ़ती हूँ चार पर्पस सबसे पहला पर्पस टू हैव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ठीक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस चाहे इन हो या आउट हो इन मॉनेटरी टर्म्स जो इन टर्म्स ऑफ मनी जो पैसों के टर्म्स में लिखे जा सके उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना इज़ द पर्पज़ ऑफ़ अकाउंटिंग देन उसके बाद टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ देखो बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट है तो इसका डिटर्मिनेशन बहुत बड़ा पर्पज़ है अकाउंटिंग का ठीक ओके okay. जो थर्ड पर्पज़ है हमारा वो पर्पज़ ये है कि टू असरटेन फाइनेंशियल पोजिशन फाइनेंशियल पोजिशन असरटेन करने का मतलब कि कंपनी स्टैंड कहाँ कर रही है कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है ग्रोथ रेट क्या है पिछले साल से कितना ज़्यादा बेटर किया या कितना बेकार किया या वॉटर फाइनेंशियल पोजिशन असरटेन करना थर्ड मेन पर्पज़ है और फोर्थ मेन पर्पज़ है टू कम्युनिकेटिंग द रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट आया या एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जो भी परफॉर्म किया बिजनेस ने अच्छा या बुरा वट एवर उसको एंटरप्रिट करना इज़ द फोर्थ पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग चार ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ जो लोग इलेवेंथ की बुक से पढ़ रहे हैं सी बी एस ई वाली बुक से डी के गोयल वाले से जो लोग पढ़ रहे हैं एलेवंथ की तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक अंडरस्टैंडेबल है जो साइंस के बच्चे हैं अगर वो नए हैं या कॉमर्स e वाले बच्चे भी एलेवेंथ की बुक्स अगर पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड बुक अंडरस्टैंडेबल है सब कुछ है देखो यूनिट वन समराइज कर दी गई है लास्ट के दो तीन टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं लाइक इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्स्ट्रा है आई ए एफ एस एक्स्ट्रा है ठीक है ये दो तीन टॉपिक्स और थोड़े से एथिक्स वाला टॉपिक ये तीन टॉपिक एक्स्ट्रा है जो कि मैं थर्ड पार्ट में वीडियो के आपको दूंगी तो वो शायद नहीं है कम्प्लीटली या बहुत बहुत कम है इलेवेंथ की बुक में बाकी इलेवेंथ की बुक इज़ वेरी गुड डी के देवल की जो बुक है वो अच्छी है तो इफ़ यू आर गेटिंग रेफरेंस फ्रॉम देयर इफ और इफ़ यू आर रीडिंग फ्रॉम देयर इट्स अ गुड बुक ओके सो नेक्स्ट वी हैव इज़ फीचर्स टू टॉक अबाउट फीचर्स फीचर्स में सबसे पहला ये कि इट रिकॉर्ड्स ऑल दी ट्रांजेक्शंस इन मॉनिटरी टर्म्स ठीक पहला ये हो गया दूसरा इज़ इट इज़ ऑफ हिस्टोरिकल नेचर हिस्टोरिकल नेचर मतलब जो ओल्ड uh, कॉस्ट है हमारी हम उसी के बेस पे से कंटिन्यू करते हैं लाइक like कि अगर हमें एज अ गेस्ट या एज अ फोकास्ट हम ये ट्राई ये प्रिटेंट कर सकें या फोकास्ट कर सकें प्रेडिक्ट कर सकें कि हमें फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होने वाला है तो हम उससे पहले से रिकॉर्ड नहीं करते हैं बट आपने सुना होगा जिन्होंने प्रैक्टिस करी एलेवेंथ ट्वेल्थ में कि अगर कोई लॉस हम प्रेडिक्ट या फोरकास्ट कर रहे हैं तो हम उसे ज़रूर लिखते हैं ठीक है बट जैसे प्रोविजन फॉर बैड डप्ट वो प्रोविजन होता है दैट वी आर प्रन दैट कि वो बैड डप्ट हो जाएंगे हमें मिलेंगे नहीं बट वी राइट दैट अगर कहीं वहीं पे हम प्रॉफिट फॉरकास्ट कर रहे हो तो वी कॉन्ट राइट दैट हम वो नहीं लिख सकते हैं तो ये हिस्टोरिकल नेचर पे बेस्ड होता है तीसरा लीगली रिक्वायर्ड होता है अकाउंट्स आर दी एविडेंस ऑफ अ कंपनी कि वो क्या कर रही है ग्रोथ हो कैसे रही है कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं तो लीगली रिक्वायर्ड होता है ठीक है फॉर द डिस्लोजर ऑफ़ फाइनेंशियल पोजिशन या फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एनी बिजनेस तो वो बता चुकी हूँ देखो इसमें बहुत इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये जो चीज़ें इन uh, सब में फीचर्स या स्कोप या इम्पॉर्टेंस में नहीं होंगी वही लिमिटेशंस होंगी और बाकी जो इनमें हैं वो घुमा फिरा के वही फंक्शंस, वही इंपॉर्टेंस वही स्कोप वो आता जाएगा ठीक है एक इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर जो इसमें हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल है वो एंट्रिम रिपोर्ट्स एंट्रिम रिपोर्ट्स इसलिए क्योंकि जो फाइनल रिपोर्ट बनती है हमारी विच इज़ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग पी एन एल एंड बैलेंस शीट ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो वो फाइनल रिपोर्ट मानी नहीं जाती है क्यों क्योंकि हमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी के बारे में जाननी होती है कि उनका एच आर डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स का जो मैप uh, है या ग्राफ है वो कैसा वर्क कर रहा है ग्रोथ एक्सपेंशन रेट किन किन प्रोसेस से या किन किन वजह से हुआ है तो दैट इज़ नॉट द फाइनल रिपोर्ट क्योंकि सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में हम देते हैं जो चीज़ें बिजनेस में मॉनिटरी टर्म्स के सिवा और भी बहुत सारा इनपुट लगता है ओके तो दैट्स वाई इट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ नोन एज अ इंट्रीम रिपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ठीक है एक ये था एंड देन फॉर द एक्सटर्नल यूज एक फीचर और है कि एक्सटर्नल यूजर्स के लिए चाहे वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हों क्रेडिटर्स हों गवर्नमेंट एजेंसीज हों कस्टमर्स हों या न, जो नॉर्मल स्टॉक ट्रेडर्स हैं या स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो हों तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी वी मेक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पजफुल ओके देन वी हैव स्कोप द फर्स्ट स्कोप विच वी गेट इज बिजनेस फोकास्टिंग बिजनेस फोकास्टिंग क्यों क्योंकि अगर जैसे कि मान लीजिए आप पिछले पाँच साल के रिकॉर्ड्स देखते हैं किसी कंपनी के टेन परसेंट की ग्रोथ चल रही है कि हर पर ईयर टेन परसेंट टेन परसेंट की ग्रोथ पे वो चल रहा है तो यू कैन फोकास्ट कि अगर इतने सालों से जे कप चल रहा है तो आगे भी यही जेकअप चलेगा तो अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ या इसमें अपना इनपुट देता हूँ तो वट विल बी द बिजनेस इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स तो फोकास्ट करना मतलब प्रिडिक्ट करना भविष्य जानना या मारना, तो कमरना ठीक है तो बिजनेस फोकास्टिंग में इसका स्कोप काफ़ी है जो कि रिसर्चर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स काफ़ी यूज़ करते हैं देन वी हैव इट हेल्प्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कैसे करेगा हेल्प आपको पी एन एल बताएगा पी एन एल अकाउंट आपको क्या बताएगा कि आपकी कौन सी ऑपरेशनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा खर्च लेती हैं और कौन सी कम लेती हैं क्या ऊपर नीचे आप कर सकते हैं जिससे आपकी एसेट लाइबिलिटी या लिक्विडिटी वट एवर सब इम्प्रूव हो जाए ओके okay. तो ये क्या हो गया डिसीजन मेकिंग बेटर करेगा अगर मान लीजिए कि हमारा इनपुट पे खर्चा बहुत आ रहा है पर आउटपुट पे उतना हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वी विल सी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कहाँ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग भी इसी से होती है अकाउंट से ही बनती है ठीक है और कितना डिविडेंड पे कितना रिटर्न देना है कितनी जल्दी लोन को ख़त्म कर देना है ये सब इसी पे डिपेंडेंट होता है तो इट हेल्प्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग देन वी हैव इज करेक्ट टैक्सेशन अगर हमारे पास प्रॉपर लीगल रिकॉर्ड्स होंगे एंड uh, सब मेनटेंड होगा तो हमें यह पता होगा कि हमारे पास कितना प्रॉफिट बचना है हम कितना उसमें से डिविडेंड दे रहे हैं कितना शेयर होल्डर्स को डिपेंचर्स दे रहे हैं तो उस पर हमें कितना टैक्स पे करना दैट विल बी कैलकुलेटेड एंड एक्यूरेटेड दैन वी हैव दैट की टू डिटरमाइन बिजनेस पोजिशन या परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस रनिंग और गोइंग ऑन तो जब बिजनेस की बिजनेस uh, की पोजिशन या परफॉर्मेंस डिटरमाइन करोगे तो ऑब्वियसली बात है यू नीड रिकॉर्ड्स और किस बेस पे करोगे कि ओनर क्या देगा कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी तो मान लोगे नहीं ना यू विल हैव रिकॉर्ड्स यू विल हैव प्रूफ फैक्ट्स फिगर्स सब तो मानोगे तो वो कंपनी की बिज़नेस की परफॉर्मेंस क्या है वो कंपनी के प्रॉफिट से ही मेजर करी जाती है ठीक है कितना डिविडेंड वो पे कर रही है कितना प्रॉफिट उसको आ रहा है रेगुलर आ रहा है कि इरेगुलर आ रहा है तो ये सब बिज़नेस का परफॉर्मेंस जज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक और थोड़ा सा ट्रिकी सा यहाँ पे हेडिंग हम पढ़ते हैं वो है रिप्लेसिंग मेमोरी मेमोरी कैसे रिप्लेस करेगा अकाउंट ऑब्वियसली करेगा क्यों क्योंकि व्हेन वी मेक अकाउंट हमने आज कोई ट्रांजैक्शन किया और हमने उसे लिख लिया ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमें वो ट्रांजेक्शन एक साल बाद भी याद रख हमने किया था बट हमने लिखा है तो वी कैन लुक इंटू द बुक्स और वो ओके okay है तो हमें मेमोराइज़ ही नहीं करना पड़ा जब मेमोराइज़ करना ही नहीं पड़ा तो अकाउंट मेंटेनेंस क्या कर रहा है मेमोरी को रिप्लेस ही तो कर रहा है तो अपॉइंट इज रिप्लेसिंग मेमोरी ठीक है देखो तो स्कोप भी बहुत सारे हैं अब जैसे कि जो स्कोप है वही इंपॉर्टेंस होगी अब इंपॉर्टेंस क्या टू हैव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ठीक टू हैव एविडेंसेस किसी भी लीगल लीगल रिक्वायरमेंट यहाँ बताया था मैंने फीचर्स में तो एविडेंस के लिए ही तो लीगली रिक्वायर्ड है टू असरटेन द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है बिज़नेस की परफॉर्मेंस और करने के लिए टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं कैलकुलेट होगा तो क्या होगा तो इस तरीके से करके इंपॉर्टेंस भी बहुत सारी हैं ये कुछ ऐसे थॉरिटिकल पॉइंट्स हैं जो रटने हैं अगर आप समझ लेते हैं कि इस किस में क्या है तो आप इंटरचेंज करके भी लिखते हैं ना तो वही दस बारह पॉइंट्स हैं जो थोड़े इसमें थोड़े इसमें थोड़े इसमें घुमा घुमा के आए ठीक है देन वी हैव यूजर्स अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं यूज़र्स कौन है उसके तो यूज़र्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल देखो इंटरनल यूज़र्स मेनली तीन होएंगे कौन होएंगे ओनर मैनेजमेंट एम्प्लॉय ओनर मैनेजमेंट एम्प्लॉय ये तीन कौन हुए इंटरनल यूजर्स हुए इंटरनल यूजर्स क्यों क्योंकि ओनर क्या हो गया तो कंपनी का शेयर होल्डर होगा या वो कंपनी का खुद ही एक सिंगल ओनर होगा जो प्रोपराइटर बोल सकते हैं या कंपनी के पार्टनर्स होंगे तो वो इंटरनल यूजर्स हैं क्योंकि कंपनी चली उनसे है बनी उनसे है और चल उनसे रही है ठीक है तो उन्हें चाहिए होगा कि कंपनी हमारी कहाँ पे है ग्रोथ कैसी है हम कितना एक्सपैंड कर सकते हैं ठीक हम कितना डिविडेंड पे कर सकते हैं हम कितना बेटर परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं जो मैनेजमेंट होगी टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल और लोअर लेवल टॉप को चाहिए होगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि हम कौन सी पॉलिसी फ़ाइनलाइज करें ठीक है कौन सा नया प्रोजेक्ट या कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए फाइनलाइज़ करें मिडल लेवल पे वो क्या होगी इम्प्लीमेंट होगी और लोअर लेवल पे क्या होगा डिस्चार्ज कर दी जाएगी वो पॉलिसी कि तुम्हारा ये काम तुम्हारा ये काम और तुम्हारा ये काम ठीक तो इंटरनल ख़त्म देन वी हैव एक्सटर्नल देखो एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स वो भी होते हैं जो ट्रेड करते हैं हमारे साथ क्रेडिट पर कि लाइक हमने आज उनसे सामान बल्क में खरीद लिया और तीन महीने बाद की डेट हमने ले ली कि हम इतने दिन बाद पे कर देंगे ठीक है क्रेडिटर्स वो भी होते हैं जो हमें लोन देते हैं चाहे वो इन चाहे वो इन्वेस्टर्स हो हमें डेट दे चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो बैंक्स हो या जो डेट देते हों या जो भी लोन देते हों ठीक है तो हम उनसे लोन उठाएँ तो हुवर हु गिव अस क्रेडिट और लोन आर नोन एस क्रेडिटर्स ठीक है तो जो ट्रेड में हमें जो जो सामान खरीदने में हमें जो हम सामान खरीदते हैं विच इज़ द परचेज फॉर द रीसेल ठीक तो उसमें हमें जो क्रेडिट मिलता है या उसमें मुझे छूट मिलती है कि तीन महीने बाद या छः महीने बाद तुम पे कर देना दैट इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट तो ट्रेड क्रेडिट अब कोई क्रेडिटर आपको ट्रेड क्रेडिट क्यों देगा आपके कहने पे, आपकी शक्ल देगी नहीं वो आपकी कंपनी की रिपोर्ट्स या कुछ फैक्ट्स फिगर्स देखेगा कि ओके सो दिस इज़ द दिस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है लिक्विडिटी अच्छी है क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा है तो मैं इसको तीन की बजाय छः महीने का भी क्रेडिट स्कोर दे सकता हूँ मेरा पैसा डूबेगा नहीं ओके okay, तो ये आपकी लिक्विडिटी कितनी है सॉल्वेंसी कितनी है सिर्फ क्रेडिटर नहीं बैंक्स भी ये चीज़ देखेंगे ठीक है कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर जो आपको डेट दे रहा है बारह परसेंट या चौदह परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो भी ये सब देखकर ही आपको देगा ओके एंड देन वी हैव एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे पास होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ गवर्नमेंट एजेंसीज़ कौन कौन सी गवर्नमेंट तो नहीं आएगी है ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एम ओ टी सी मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्रेड एंड कॉमर्स देन वी हैव से सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक उसके बाद आर ओ सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसके बाद सी एल बी कंपनीज लॉ बोर्ड यस yes. ठीक है सी एल बी तो ये सारी एजेंसीज हैं जो हमारे लाइक like, सेबी क्यों देखेगी एग्जाम्पल ले लो से बी क्यों देखेगी क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स वगैरह में उसका बहुत बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव होता है वो तो वो हमारी कंपनी की रैंकिंग परफॉर्मेंस जे कब देखेगी तो वो पोटेंशियल देखेगी तो वो स्टॉक मार्केट में हमें रिकमेंड करेगी स्टॉक मार्केट में हमें कहीं ना कहीं रैंक कराएगी ठीक देन वी हैव कस्टमर्स आज आज के टाइम में कस्टमर इज़ द किंग ठीक है कस्टमर की नीड है उसको आपको प्रोडक्ट पसंद आया है देन योर बिजनेस विल गो हाई ठीक तो कस्टमर आज कस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के फोरम्स भी बने हैं कस्टमर्स के लिए अलग कोर्ट्स भी बने ठीक है।, है तो सी एस आर जब कोऑपरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि हमारी जो कंपनी है वो सोसाइटी के लिए भी काम कर रही है या नहीं कर रही है वो हमसे रिसोर्स ले रही है हम ही को बेच रही है हम ही पैसा कमा रही है तो हमारे लिए काम कर भी रही है या नहीं तो कस्टमर्स वहाँ पे वो कस्टमर्स यूजर्स हो गए देन वी हैव रिसर्चर्स रिसर्चर्स होते हैं लाइक like, जो अकाउंटिंग्स uh, में या फिनेंस में पी कर रहा है ठीक तो वो रिसर्च करेगा जो केस स्टडीज़ बनाता है या बुक्स लिखता है केस स्टडीज़ पे या कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस पे वो भी रिसर्च करेगा और कुछ रिसर्चर्स तो कंपनी वाले खुद ही रखते हैं कि आप रिसर्च करिए और एनालाइज़ करके हमें बताइए कि हम कहाँ पे लैब कर रहे हैं और कहाँ किस चीज़ से हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है ठीक है क्या हमारा एक्सपेंस बेवजह का है और कौन सा एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है रिसर्चर्स और एक्सटर्नल यूजर्स तो हैं ही हैं ठीक तो इस तरीके से करके हमारे कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हुए फिर हमारे पास इस टॉपिक में थोड़ी सी अकाउंटिंग टर्म्स भी हैं जो टर्म्स अभी हम पढ़ेंगे लेट्स गेट स्टार्ट दिस टॉपिक लेफ्ट विथ हाफ ऑफ यूनिट वन विच इज अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स में देखो बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं देर आर लिमिटलेस अकाउंटिंग टर्म्स बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका कॉमनली डिफरेंस या एग्जैक्ट मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ स्टेट करी है असेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम फिर ए आर ए पी बी आर बी पी इन वॉइस रिसीट और वाउचर वॉट आर असेट्स कॉमेंट डाउन करना ठीक है देखो प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस आर असेट्स विच आर नॉट फॉर द पर्पज ऑफ री सेल इन नीयर फ्यूचर ओके सॉरी असेट्स का फॉर्मूला है लाइब्रेटीज प्लस कैपिटल और लाइब्रेटीज का फॉर्मूला क्या होगा जस्ट अपोजिट असेट्स माइनस कैपिटल असेट्स तीन टाइप के होते हैं फिक्सड करेंट और फिकटिशियस फिक्शन स्टोरीज पढ़ते हैं तो फिक्शन से फिकटिशियस वर्ड है मतलब फिक्शनल होते हैं ये ठीक है uh, या हम कह सकते हैं कि इनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती वी कान सी दैम या मॉनिटरी टर्म्स की कोई रियल एक्जिस्टेंस इनकी नहीं होती बट दे स्टिल एग्जिस्ट तो ये वो वाले असेट हैं फिक्स्ड असेट्स दो टाइप के होते हैं टैंजबल और इन फिक्स्ड असेट वो असेट होते हैं बेसिकली जो कंपनी या किसी भी बिजनेस का कोर परफॉर्म करते हैं लाइक मशीनरी लैंड बिल्डिंग ये फिक्स्ड असेट्स होते हैं जो कंपनी का कोर परफॉर्म करते हैं किसी भी बिजनेस का कोर परफॉर्म करते हैं कि उसका जो कोर है वो क्या है लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का कोर है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना तो जो लैंड या बिल्डिंग या फैक्ट्री या मशीनरी जो भी है वो फिक्स्ड असेट्स हैं और टांजेबल टांजेबल मतलब जो दिखते हैं और उनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है जिन्हें देख सकते हैं छू सकते हैं वो डिप्रिशिएट होते हैं ठीक है वो टैंजेबल असेट्स हैं तो अब समझ गए आप लैंड मशीनरी ये सब टैंजेबल असेट्स हुए ठीक लैंड बिल्डिंग मशीनरी इन टैंजेबल वो असेट्स होते हैं जिनकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू तो होती है देखो भाई मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं होगी तो वो असेट नहीं होगा ठीक है जब आप उसे मॉनेटरी टर्म्स में लिख ही नहीं पाओगे तो असेट है ऐसा तो इनकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू तो होती है बट हाँ द थिंग विच वी मेक द डिफरेंस हेयर इज़ कि ये दिखाई नहीं देते वी कैन सी और टच दम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला डिफरेंस है इनमें वी कैन सी ऑर टच दैम वी कैन सी ऑर टच दम तो ये कॉपी है पेटेंट है गुडविल है कॉपीराइट देखो बहुत बड़ा असेट है अगर आपके पास किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी टेक्नोलॉजी का कॉपीराइट है या पेटेंट राइट right है तो आपकी तरह कोई और कंपनी पूरी दुनिया में उसे मैन्यूफैक्चर नहीं कर सकती है उसे कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा तो ये मोनोपोली स्टेब्लिश कर देती है आपकी तो पेटेंट गुडविल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? सो so, इसलिए इन्हें इन टैजेबल असेट्स में रखा गया है विच आर फिक्स्ड असेट अगर आपका एक बार पेटेंट आपको मिल गया कॉपीराइट आपको मिल गया तो वो मिल गया फिर वो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट ठीक है देन वी हैव करेंट असेट्स करेंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो हमें विद इन अ ईयर लिक्विडिफाई हो जाए लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कैश में कन्वर्ट हो जाए ठीक है लाइक सन्ड्री डेटर्स जो शॉर्ट टर्म के डेटर्स हैं क्या लाइक हमें तीन महीने बाद ही पैसा मिलना है तो वो डेटर्स हमारे असेट तो हैं लेकिन जब हमें पैसा मिल गया तो वो क्या हो गया कैश इनफ्लो हो गया तो वो क्या हो गया लिक्विडी हो गया तो विद इन वन ईयर हमें जिसका पैसा मिल जाए या जिसका प्रॉफिट हमें मिल जाए दैट आर करंट असेट्स ठीक लाइक सन्ड्री डेटर्स ठीक बिल्स रिसीवेबल ठीक देन वी हैव इज लाइबिलिटी लाइबिलिटी इज असेट्स माइनस कैपिटल लाइबिलिटी दो तरीके की होती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को करेंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं मतलब वो पेमेंट या वो ऑब्लिगेशन या वो डेट जो हमें विद इन अ ईयर देना है वापस करना ही करना है लाइक बिल्स पेबल सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमें विद इन अ ईयर पैसे उनके लौटाने तो वो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है करंट लाइबिलिटी है ठीक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बॉन्ड्स डिबेंचर्स डिविडेंड्स ठीक है ये सब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं ईयर ऑन ईयर जो हमने लोन फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन से लिया है उस लोन को ईयर ऑन ईयर हमें किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे वापस करना है ठीक है बॉन्ड है डिविडेंड्स है डिबेंचर्स है तो वो लॉन्ग टर्म लैबिलिटीज हैं ठीक देन वी हैव कैपिटल कैपिटल इज ओनर्स इक्विटी ओनर्स फंड ठीक है इनिशियल कैपिटल होता है ये कि जो कंपनी का ओनर है उसने जो इन्वेस्टमेंट करी है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ अ कंपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ अ कंपनी इज कैपिटल तो उसे हम शॉर्टली शौ, क्या बोल सकते हैं ओनर्स इक्विटी या प्रोवाइटर्स इक्विटी ठीक देन वी हैव इज रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब अर्निंग्स मेड कितना पैसा आया ओके मनी इनफ्लो इसमें कैश भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है वाउचर्स भी हो सकता है रिसीवेबल भी हो सकता है ठीक है एनवाइस भी हो सकती हैं एंड देन वी हैव एक्सपेंस मनी स्पेंड कितना पैसा गया इनफ्लो आउटफ्लो तो व्हाट इज इनकम हमें रेवेन्यू पता चल गया एक्सपेंस पता चल गया और इनकम क्या इनकम तो वही होगा ना कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के बीच में एक्सपेंस को प्रोडक्ट में बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेन दे आर आर मोर देन वन एक्सपेंसिस वी डोंट कॉल इट एक्सपेंसिस ओके वी कॉल इट एक्सपेंडिचर ठीक तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इनकम फिर हमारे पास पॉइंट है ए आर ए पी बी आर बी पी इन वॉयस और रिसीड ओके तो ए आर का मतलब होता है अकाउंट्स रिसीव एबल मतलब डेटर्स सारे डेटर्स कोई राम होगा कोई श्याम होगा कोई सन्ड्री डेटर्स होगा वट एवर तो ये क्या है ये अकाउंट ये ऐसे अकाउंट है जिनसे हमें पैसा मिलना है तो दीज आर टर्मड एज अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स आर टर्मड एज अकाउंट रिसीवेबल जहां से मिलना है वो डेटर क्योंकि हमने उनको दिया है लोन तो वो हमें वापस करेंगे ठीक है और अकाउंट पेबल क्रेडिटर्स क्योंकि क्रेडिटर्स से हमने लिया है तो हमने लिया तो हम उन्हें क्या करेंगे रिटर्न करेंगे ठीक तो अकाउंट रिसीवेबल आर डेटर्स एंड अकाउंट पेबल आर क्रेडिटर्स इसमें हो सकता है राम से लिया हो शाम से लिया हो या किसी बैंक से लिया हो या किसी इन्वेस्टर से लिया हो तो वो सारे अकाउंट्स मिला के अकाउंट्स पेबल ऑल आर नोन एज क्रेडिटर्स ठीक देन वी हैव बिल्स बिल्स रिसीवेबल अब रिसीवेबल मतलब क्या बिल्स का मतलब पैसा पैसा रिसीवेबल ठीक है पैसा आएगा तो किससे आएगा डेटर्स से ही आएगा ना या जिन्हें हम जो हमें देना है कोई शॉपकीपर हो या कोई ट्रेडर हो वट एवर हुए तो वो हमें देगा तो receivable, बिल्स रिसीवेबल क्या होंगे मनी इनफ्लो ठीक है मनी इनफ्लो फ्रॉम द डेटर्स और द वन हु आर ड्यू ऑफ पेमेंट ठीक है जिन्होंने पेमेंट नहीं करी अनबिल्स पेबल जस्ट ऑपोजिट मनी आउटफ्लो और द पेमेंट ऑफ मनी टू द वन हुम वी आर ड्यू टू पे ठीक है सेम चीज़ इधर अगर आप आ जाए इन और रिसीट में होती है इन हमें सेलर देता है सेलर हमें इन देगा तो क्या देगा कि हमारा सेल का जो हुआ उसका ट्रांजेक्शन कितने का था और रिसीट कैश पेयर देता है हमने पे करी तो हम रिसीट देते हैं ठीक है इट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग ठीक तो ये भी सेम चीज़ होगा ये हम दे रहे हैं तो दैट इज़ ऑन द साइड ऑफ डेटर्स और ये हम ले रहे हैं दैट इज ऑन द साइड ऑफ क्रेडिटर्स ठीक है एंड देन वी हैव इज वाउचर वाउचरस देखा होगा ना कि यू गॉट 500 गिफ्ट वाउचर 1000 गिफ्ट वाउचर पी वाउचर एंड पैंटलून वाउचर तो वाउचर का क्या मतलब होता है वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री विच रिप्रेजेंट्स द कैश और विच रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी वी हैव वी हैव टू पे वी कैन हैव और वी कैन अवेल ठीक है उसमें कुछ भी हो सकता है वाउचर वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो अमाउंट ऑफ मनी रिप्रेजेंट करता है चाहे वो पे करना हो चाहे वी कैन अवेल दैट या वो ऑफर हो या वॉटवर अमाउंट ऑफ मनी रिप्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट होता है वाउचर ओके सो है वी आर एंड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट वन यूनिट वन का पहला टॉपिक खत्म हो गया जिसमें अकाउंटिंग थी उसके नेचर स्को फीचर पर्पज एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एंड देन वी हैव दिस टॉपिक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स उसके बाद जो हमारा था हमने इसमें है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग भी एक टॉपिक तीन टर्म्स आते हैं हमारे पास पहला अकाउंट्स दूसरा बुक कीपिंग और तीसरा अकाउंटिंग तो मैंने तीनों को ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि सबसे छोटा अकाउंट्स उससे बड़ा बुक कीपिंग और सबसे बड़ा होता है अकाउंटिंग तो डिफरेंस बेसिक समझना अकाउंट एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ वन पार्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन ठीक है वो अकाउंट होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ वन पार्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस ठीक है सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का सारे अकाउंट्स का रिकॉर्ड बुक कीपिंग होता है एंड अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स बिंग रिकॉर्डेड इन बुक्स ठीक है तो अकाउंटिंग में सब आ जाता है बुक कीपिंग में सारे अकाउंट्स आ जाते हैं अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन आता है ठीक है बुक कीपिंग में सारे अकाउंट्स आते हैं और अकाउंटिंग में बुक कीपिंग अकाउंट्स एवरीथिंग एनालाइजिंग फाइनलाइजिंग समराइजिंग एवरीथिंग ठीक तो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो लेवल पे है कि अकाउंट प्राइमरी स्टेज है बस शुरुआत अकाउंट से होती है बुक सेकेंडरी स्टेज है और अकाउंटिंग इज द फाइनल स्टेज ठीक है एंड लिमिटेशंस अगर अकाउंटिंग की जो मैंने आप लोगों को कहा अभी वीडियो के थोड़ी देर पहले पार्ट में कि जो सारे स्कोप फंक्शंस फीचर्स में नहीं होगा वही लिमिटेशन होगा तो मैं अब उसको समराइज़ भी कर देती हूँ लाइक like, देखो अकाउंटिंग के लिमिटेशन क्या है इट ओवरलुक्स ऑल दी अदर आइटम्स रादर देन मॉनिटरी टर्म्स जो मॉनिटरी टर्म्स में नहीं लिखे जा सकते हैं वो उस हर आइटम को ओवर लुक करता है लाइक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी का सबसे बड़ा रिसोर्स उसके एम्प्लॉयज़ पर उसकी कोई गिनती तो नहीं हो सकती ना मॉनेटरी टर्म्स में कि अरे ये वाला एम्प्लॉई अच्छा इसने ये प्रोजेक्ट किया था चलो इसकी डेढ़ लाख कीमत लगा लो अच्छा ये चलो उसकी एक लाख ऐसा तो नहीं हो सकता ना तो बट हम इम्पॉर्टेंट तो है वो अगर उसको मॉनेटरी टर्म्स में हम नहीं लिख सकते दैट इज़ अ सेकेंडरी इशू बट एन एम्प्लॉई फॉर अ कंपनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ओवरलुक करता है उस चीज़ को दूसरा इट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर जो कि गलत है ठीक है आप किसी भी लैंड या बिल्डिंग की कॉस्ट जो आपने खरीदी अगर वो एक लाख थी तो आप उसे पाँच साल बाद भी अपने रिकॉर्ड्स में एक लाख ही लिख रहे हो इज इट पॉसिबल ज़मीन की कीमत तो आसमान छूते हुए बढ़ती है तो वो चीज़ यहाँ पे गलत है दूसरा जो अकाउं, अकाउंट अकाउंटेंट है अगर हो सकता है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अकाउंट्स बना रहा है ठीक है तो वहाँ पे अगर वो बायस्ड है उसके मैनेजर के साथ या कनेक्टेड है या तो वो बायस्ड तो शो करेगा ही ना अगर मार्केटिंग के स्केल ऊपर नीचे हो रही है तो वो उसे इक्वलाइज कर देगा जनरलाइज़ कर देगा ताकि कोई दिक्कत ना आए तो यहाँ पे बायस्ड होने की भी पॉसिबिलिटीज़ होती मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ठीक है विंडो ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग का मतलब यही होता है बायस्ड होना मैनिपुलेट करना या रिकॉर्ड है कुछ आप शो कुछ कर रहे हैं या एक और चीज़ इसमें हो सकती है कि मान लीजिए सेल का रिकॉर्ड था और वो गलती से सेल रिटर्न में आ गया तो वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कतें होती है तो एरर की भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो ये सब विंडो ड्रेसिंग के अंदर आ जाता है विंडो ड्रेसिंग एक टर्म एक टर्म है जहाँ पे अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट किए जाते हैं चाहे वो इंटेंशनली करे जाएँ चाहे वो गलती से हो जाए अकाउंट रिकॉर्ड के मैनिपुलेशन इज़ विंडो ड्रेसिंग तो ये भी एक लिमिटेशन है और सबसे लास्ट जो लिमिटेशन है वो ये है कि कंटिजेंसी जो अप्रोच सॉरी कंसिस्टेंसी का जो अप्रोच है ना यहाँ पर वो ब्रेक हो जाता है कभी कभी लाइक like कि अगर आप डेप्रिसिएशन में दो तीन मेथड्स होते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या स्ट्रेट मेथड तो आप कभी कभी वैसे तो इजी नहीं है अगर आपने स्ट्रेट मेथड लगाया डिप्रिसिएशन का तो आपको चलाना वही पड़ेगा क्योंकि उसको फिर चेंज कराने के लिए थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं बट कोई कोई कंपनी उसे ब्रेक कर देती है तो अगर आप पाँच साल से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते आए हैं जहाँ पर टेन परसेंट डिप्रिसन अगर दस हज़ार हो तो दस हज़ार हर साल लगेगा 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 और रिटर्न डाउन में क्या होता है कि दस हज़ार लगा तो वो नब्बे हो गया तो फिर नब्बे का दस परसेंट मतलब नौ हज़ार लगाएंगे फिर वो फिर वो एट्टी वन होगा तो फिर उसका दस परसेंट मतलब एट एट थाउजेंड वन हंड्रेड लगाएंगे फिर उसके बाद उसका 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 तो ये रिटर्न डाउन में होता है तो कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है अगर दस परसेंट ही लगाते तो वो एक लाख का दस लगता दस हज़ार तो नब्बे होता है नब्बे का दस लगता तो वो फिर अस्सी हो जाता तो कितनी जल्दी कितनी जल्दी वैल्यू राइट ऑफ हो जाती असेट की ठीक है तो अगर आप उसे चेंज कर देंगे बीच में तो असट तो वही चला आ रहा है ना आपने मेथड चेंज कर दिया तो यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम आती है तो ये कुछ लिमिटेशंस थी इसी के साथ हमारी यूनिट वन आधी होती है ख़त्म और आधी आएगी नेक्स्ट के दो फिर में तब तक स्टेट टेक केयर एंड बाय बाय